आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उन्हें परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में पहचाना जाता है, जो अर्थशास्त्र, राजनीति, सैन्य रणनीति और शासन कला पर एक मौलिक ग्रंथ है, जो लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत का है। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य किया। यहां आचार्य चाणक्य संक्षिप्त जीवनी दी गई है। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। तथ्य नंबर एक, चाणक्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानकारी है, जिसमें उनकी सटीक जन्मतिथि और स्थान भी शामिल है। कुछ जैन ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म तक्षशिला, वर्तमान तक्षशिला, पाकिस्तान में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह अच्छी तरह से शिक्षित थे और बाद में तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक आचार्य बन गए, जो अपनी विद्वतापूर्ण गतिविधियों के लिए प्राचीन दुनिया भर में प्रसिद्ध था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भूमिका। तथ्य नंबर दो, चाणक्य की ऐतिहासिक प्रसिद्धि मुख्य रूप से नंदवंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनकी भूमिका से आती है। नंदों के भ्रष्ट और दमनकारी शासन से निराश होकर उन्होंने उन्हें उखाड़ फेंकने की कसम खाई। उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई, जो उस समय काफी क्षमतावान युवक था, लेकिन उसकी कोई खास हैसियत नहीं थी। चंद्रगुप्त में एक शासक के गुण देखकर चाणक्य ने उसे अपने अधीन कर लिया, प्रशासन, सैन्य रणनीति और शासन की कला की शिक्षा प्रदान की। तथ्य नंबर तीन, कहानियों और लोक कथाओं सहित विभिन्न खातों के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंदों को हराने में मदद करने के लिए रणनीतिक कूटनीति, जासूसी और सैन्य रणनीति के संयोजन का इस्तेमाल किया। सफल अभियान के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इसके पहले सम्राट बने, जिसमें चाणक्य उनके सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। अर्थशास्त्र। तथ्य नंबर चार, चाणक्य की विरासत में अर्थशास्त्र शामिल है, जो एक व्यापक पाठ है, जिसमें प्रशासन, आर्थिक नीतियों, युद्ध और विदेशी संबंधों सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। यह पाठ शासन और शासन कला के प्रति अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण, वास्तविक राजनीति की वकालत और राज्य की शक्ति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए जासूसी और सैन्य रणनीति के उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत और अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण कार्य है। मृत्यु और विरासत। तथ्य नंबर पांच, चाणक्य की मृत्यु की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं। विभिन्न ऐतिहासिक और पौराणिक विवरण अलग अलग संस्करण प्रस्तुत करते हैं। अपने जीवन और मृत्यु से जुड़ी अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय इतिहास और राजनीतिक दर्शन पर चाणक्य का प्रभाव निर्विवाद है। उन्हें भारत में एक केंद्रीकृत प्रशासन के निर्माण में अग्रणी व्यक्ति और सर्वोत्कृष्ट रणनीतिकार के रूप में सम्मानित किया जाता है। चाणक्य की शिक्षाएं और सिद्धांत, विशेष रूप से शासन, नेतृत्व और आर्थिक प्रबंधन से संबंधित, का सदियों से अध्ययन और सम्मान किया जाता रहा है। उनके काम ने न केवल ऐतिहासिक शासकों और प्रशासकों को प्रेरित किया है, बल्कि भारत और उसके बाहर आधुनिक राजनीतिक और आर्थिक विचारों को भी प्रभावित किया है। ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा।